चाहे तो बैठ सकती हैं, चाहे खड़े रह सकती हैं। लारा, दरअसल क्या है कि हम लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि किस वक्त आप फ्री हों और आप तशरीफ़ लाएँ, लेकिन सुनने में आता था कि कभी आप पहाड़ों पर चढ़ रही हैं, कभी रेगिस्तान में बल खा रही हैं, तो आपको पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। तो अब आप हाथ लग गई हैं तो जी भर के बातें करते हैं। दादा साहब यहाँ आ जाइए, आपसे एक सर अभी पीछे कुछ आवाजें आ रही हैं। जी हाँ बिल्कुल, मिसेस दत्ता की तो हो नहीं सकती, आप ही की होगी जरूर। सर इस आवाज का राज क्या है? पर ये क्या आवाज थी? इसको आप बैटल क्राई कह सकते हैं, जो कि ना जंग में जाने के टाइम पे ललकार। ओ जी 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 जी। तो ये जब छोटी सी थी, 16 साल की थी, पहली बार एक कॉन्टेस्ट में आ रही थी बॉम्बे, ब्यूटी कॉन्टेस्ट। हाँ, तो जब मैंने इसको एयरपोर्ट में जाते हुए देखा सिक्योरिटी के अंदर, तो थोड़ी सी घबराई हुई सी नजर आ रही थी ये। दारा दत्ता? हाँ, 16 साल की थी ना, पहली बार घर छोड़ के बॉम्बे आ रही थी। तो मैंने कहा बेटा इधर आओ, मैंने इसका मुंह पकड़ा ऐसे, मैंने कहा कुछ शक है, कुछ डर है? नहीं डैडी। मैंने कहा सुनो, तू मेरी शेरनी है, सांस भर के अंदर से वाह कर जरा जोर से और देख तेरा पूरा डर निकल जाएगा। मिस दत्ता, क्या ये शुरू ही से ऐसी थी कि जो दहाड़ मारे और खूब शोर मचाए? और नहीं नहीं, शी वाज अ वेरी गुड चाइल्ड, शी वाज अ वेरी गुड चाइल्ड, वेरी स्वीट, वेरी ओबीडिएंट। नहीं एक्चुअली मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं सबसे छोटी हूं। हाँ, तीन लड़कियों में से सबसे छोटी। अच्छा, तीन बेटियां। हाँ जी जी। हाँ, और आप सबसे छोटी। हाँ, और मम्मी पापा ने शायद सोचा था कि इस बार लड़का होगा। क्यों? अफसोस की बात है कि लड़का नहीं हुआ। खुदा का शुक्र है कि नहीं हुआ। लोग लाला पता देखने इसलिए जब तक मैं आ गई तो मम्मी दोनों बड़ों से तंग होकर उसने कहा कि नाउ यू आर योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं आई ग्रू अप लाइक अ बॉय, मैं काफ़ी टॉम बॉयश थी आई थिंक। ये जो चूँकि अभी तक तो लारा की बातें हो रही थी और वेरी स्वीट, वेरी नाइस, वेरी गुड, उसने कहा वाज अ टॉम बॉय, मैं ज़रा और थोड़ी सी अंदर की बातें निकालता हूँ, किसी और को बुलाता हूँ। प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। हाय शेरिल, प्लीज आइए। अच्छा लारा, अब आप भाग मत जाइएगा। जी नहीं। शेरिल जो है लारा की बड़ी बहन है और लारा के बारे में वो बातें जानती हैं जो इनके माता पिता तो जानते ही होंगे लेकिन हमको बता नहीं रहे थे। तो शेरिल से जरा कुछ अंदर की छानबीन करते हैं। शेरिल, आप लारा से कितनी बड़ी हैं उम्र में? 6 साल। 6 साल बड़ी हैं। और आप क्या करती हैं शेरिल? मैं एयरफोर्स में हूँ, आई एम अ पायलट। जी हाँ, इसने मेरी करियर बहुत से वाओ भरे हुए सर। मैं कह रही हूँ आपसे, ये मेरी करियर छीन ली इसने। इरादा था कि मैं पायलट बनूंगी। मैं ये किस्से को जरा आगे बढ़ा रहा हूँ। दिस थिंग्स आर गेटिंग अ लिटिल इन मोर इंटरेस्टिंग। हम कुछ तस्वीरें देखते हैं और फिर वहां से किस्सा शुरू। ओह गॉड, चलो सर जरा तस्वीरें देखते हैं। कुछ थोड़ी सी मतलब she was a little bit of a tomboy ना? She was a tomboy। क्योंकि वो जिस तरह के अंदाज से जो अपनी गर्दन टेढ़ी करके मुंह बना रही थी। एक दिन जो ये हम अक्सर खेलते रहते थे घर पे, तो टेबल के गोल गोल भाग रहे थे हम, और एक कहती जोर से भागो दीदी, जोर से भागो, तो और जोर से भागी मैं और स्लिप होके गिर गई और मेरे दो दांत टूट गए सामने। उस टाइम पे हमें पता नहीं था कि दांत वापस नहीं आते, तो मैं जो परमानेंट दांत थे उसके। तो मम्मी पापा जब बाहर गए थे, वापस आए तो वो बहुत प्राउडली गा गए, देखो मेरे दांत गिर गए, टूट गए। तो पापा ने कहा अरे बुद्धू वापस नहीं आने वाले फिर से। तो उसने मुझे कभी फॉरगिव नहीं किया जिंदगी में। आई होल्ड इट अगेंस्ट कि मेरे दो दांत टू फ्रंट टीथ। एक बात मैं जो है शेरिल से बात करने में भूल गया कि आमतौर से लारा नाम हिंदुस्तान में कम ही सुनाई देता है, तो ये नाम आपने रखा था या मिसेस दत्ता ने रखा था?
आपका कहना सही है, लारा नाम जो है कम ही सुना है, लेकिन अराउंड दैट टाइम जब ये पैदा होने वाली थी तो हम दोनों को ही ये डॉक्टर जिवागो की मूवी का थीम सॉन्ग जो था हमें बहुत पसंद था दोनों को ही। तो हमने मन में सोच रखा था कि भाई चाहते तो हम लड़का हैं लेकिन अगर लड़की हुई तो नाम जरूर लारा रखेंगे, और लड़का हुआ तो जिवागो शायद रख देते तो लारा हो गई। तो लारा हो गई। एक और शख्सियत है जो वैसे आपसे बहुत करीब है, इस वक्त आपसे थोड़ी दूर है, थोड़ी दूर से बात करना चाहती हैं, यहाँ देखते हैं उनकी बात। चिंस, दिस इज सैब्स हियर। बेबी, यू नो आई लव टू बी विद यू देयर टुडे, बट इट्स जस्ट नॉट बीन पॉसिबल फॉर मी टू कम। यू नो आई एम ऑलवेज देयर एंड विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, एंड इफ एवर यू नीड मी ऑल यू हैव टू डू इज ईदर कॉल और जस्ट गिव अ शाउट एंड आई एम देयर। बाय, लव यू। ये आपकी सबसे बड़ी बहन है जी? हाँ। क्या करती हैं आप? बैंगलोर में है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है। और इनसे आपकी ज़्यादा दोस्ती रही या शेरिल से ज़्यादा? नहीं, इनसे मेरी बहुत लड़ाई होती थी पहले एक्चुअली, क्योंकि मैं सबसे बड़ी उनको देख के लगता नहीं कि आप जीत सकती हैं। नहीं, वो भी प्रॉब्लम था। नहीं, लेकिन वो मुझसे 10 साल बड़ी है और वो बहुत लंबी थी और मैं इतनी सी पिटकूट सी जैसी थी, तो मेरा मेरा एक ही डिफेंस था कि जंप करके मैं उसके बाल पकड़ लेती थी और फिर ऐसे लटकते हुए सारा घर ऐसे यू नो ड्रैग करती थी। एंड शी यूज्ड टू रियली बीट मी अप। उसने मुझे बाथरूम में बंद किया अंधेरे में, ये वो, मम्मी से शिकायत करती थी, तो उसकी और मेरी बहुत लड़ाई होती थी। और फिर ये चुपचाप बेचारी, ये बहुत सोबर थी तो ये आकर थोड़ा सा पीस बनाती थी कि यू नो यो बड़ी है छोटी है। तो दोनों बहनों का मेरे साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप हुआ। नेचुरली एक के बाल नोचती थी, एक के दांत तोड़ती थी, तो उनका आपके लिए तो बहुत ही अच्छा था। वैसे शरीर के लिए और सबरीना के लिए कैसे था ये हमको पता नहीं। दत्ता साहब, आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आइए। जो मैं नहीं कर सकता सर, मेरी बात ज़रा कम ही मानते हैं क्योंकि घर की मुर्गी हो गया हूँ ना, तो ज़रा दाल भरा हूँ। सर, कैमरे को देख के ज़रा एक वाव कर दीजिए, एक ब्रेक लेना मुझे।